हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस समय खड़ी हूँ किचन में और बज गए हैं शाम के 5:30। तो मेरी इवनिंग चाय वहाँ टेबल पर रखी है जिसे मैं पीने जा रही हूँ। और एक तरफ मैंने कुकर ये रख दिया है, तो कुकर में क्या है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रख दिया मैंने आलू, और आलू बॉयल करने जा रहे हैं तो कोई सब्ज़ी नहीं बनने जा रही है। और आलू से आज हम बनाने वाले हैं आलू की टिक्की, तो बस उसी मेथड को मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और आगे देखिएगा बाकी क्या प्रिपरेशन मैं करती चल रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब दिखाते हैं कि अब आप लोग मेरी वीडियो को। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और मैं पीऊँगी जब तक चाय, और कपड़े धा करके रहूँगी तब तक मेरे आलू बॉईल हो जाएंगे। तो मैं आपसे चाय पीने के बाद मिलती हूँ। गार्डन में बैठी है मेरी बेटी, तो ये तोड़ रही है पुदीना। तो जो पुदीना मैंने अपने गार्डन में बोया है तो उसे ये बो रही है, क्योंकि हम चटनी बनाने जा रहे हैं तो फ्रेश पुदीने की पत्तों की चटनी बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि देखिए उसने काफ़ी सारी पत्तियों को तोड़ करके रखा, और देखिए कितने बड़ी बड़ी पत्तियाँ तोड़ के रखी हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तो मैं उन्हें अलग अलग करके रख रही हूँ, और साइड में बज रहा है म्यूजिक, तो मैं म्यूजिक सुनती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। म्यूजिक सुनते सुनते काम करने का आनंद ही कुछ और है, और शाम के समय मैं अक्सर म्यूजिक चला लेती हूँ तो अच्छा लगता है और काम भी होता जाता है और टाइम भी कट जाता है। ये देखिए ये पुदीना इतना बड़ा बड़ा तोड़ा गया कि उसकी जड़ भी निकाल ली गई। तो अब मैंने क्या किया कि इनकी पत्तियों को अलग अलग कर लिया, और ये एक दो पीसेस मैंने आपको दिखाने के मतलब रोक दिए थे। इसके बाद देखिए मैंने इमली भिगो दी है और इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, तो इमली को हम खोला लेंगे। और एक साइड देखिए ये मटर मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दी थी, और ये अब काफ़ी अच्छे से भीग गई है, करीब 7 से 8 घंटे हो गए इसको भीगते हुए। और आलू भी देखिए मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो देखिए अभी गर्म है आलू, तो आलू को निकाल के एक तरफ रख देंगे। और ये मैंने धो करके रख लिया है पुदीना और जो हरी मिर्च है उसे, और देखिए जो इमली है वो बॉयल हो गई, तो गैस को कर देंगे ऑफ और इमली को करने रख देंगे ठंडा। तो अब मैंने कुकर से आलू निकाल लिए हैं, तो अब जो मटर है वो मैं इसमें कुकर में डाल दे रही हूँ। इसे 2 या 3 सीटी लगा देंगे और मटर में डाल देंगे थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा नमक। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें नमक, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा, तो बहुत छोटी सी स्पून है मेरी, सोडा में मैंने डाल के रखी हुई है, तो बस इतना सोडा हम डाल देंगे और बड़े आराम से 3 से 4 सीटी में मेरी मटर गल जाएगी। मटर को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इमली थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल करके इसे ठंडा होने रख दूँगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं जा रही हूँ नहाने, देखिए कितना पसीना आ रहा है, और मैं नहा लेती हूँ उसके बाद ही कुछ करूँगी। बहुत ज़्यादा देखिए पसीना आ रहा है, तरों में बिल्कुल पसीने, तो पहले नहा लेते इसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। नहा लिया है, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश महसूस कर रही हूँ, और इतनी गर्मी लग रही थी वो ऐसा लग रहा था कि चलिए चलते किचन में और देखते हैं मटर वगैरह कैसी बन रही है। चलिए तो अब देखते हैं मटर को कि मटर की क्या पोजीशन है। और मैंने कुकर का ढक्कन खोला और देखा कि मटर काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो मैंने एक स्पून ली है और स्पून से उसको चला के देखा है, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए मटर पूरी तरीके से बॉयल हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, देखिए
कितने अच्छे से हमारी मटर उबल चुकी है। तो बस इसे मैं ऐसे ही ढक करके रख दूंगी अभी, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गर्मा गर्म रहेगी तो थोड़ा सा खाने में भी अच्छी लगेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए जार में मैंने पुदीना और हरी मिर्च पीस ली है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल खोल के। और ये है इमली का पानी, तो इमली की गुठलियाँ और गूदा मैंने निकाल दिया है, और इसमें डाल दिया मैंने जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें हम डाल देंगे गुड़ और इसको रख देंगे गैस पर बनने के लिए। चटनी मीठी देखिए मैंने चढ़ा दी है गैस के ऊपर फुलके से, और ये अमचूर का पानी देखिए तैयार रखा हुआ है, और ये मैंने भून लिया धनिया, और ये भून लिया मैंने देखिए जीरा, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर पहले का है तो। और अब इसमें डालते हैं जो हमने पीस के रखा था, ये जो इसमें पुदीना, ये पुदीना और हरी मिर्च है, तो ये मैंने पीस कर रखा था। अब क्या करेंगे, पानी तैयार करते हैं। तो ये देखिए पानी वाला पानी मैंने तो आपको दिखा रही, इमली वाला पानी है, इसी में इसको डालेंगे। क्या करते हैं पानी बनाना, तो सबसे पहले हम चूर पानी में डाल देंगे ये जो हमने तैयार करके रखा हुआ, इसको मसाले को ये मैंने डाल दिया है, धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर। अब डालेंगे इसमें नमक, डालेंगे इसमें नमक, तो ये देखिए मैंने डाल दिया नमक, नमक स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे। तो सब कुछ तैयार हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें जलजीरा पाउडर, तो ये मैंने मंगा लिया है अशोक का, ये देखिए पानी पूरी मसाला, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो पहले इसको खोल देते हैं, तो इस तरीके से चाकू से इसको में डाल देंगे ये पानी पूरी मसाला। अब बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये तैयार हो गया हमारा पानी पूरी मसाला। तो अब ये घरेलू चीज़ों से बन गया, तो देखिए आप टेक्सचर इसका, कलर ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा ही दिख रहा है आपको। आलूओं को छील करके इसे मैश कर लिया है, अब बनाएंगे इसकी गोलियाँ। ये गोलियों को बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और सारी गोलियाँ मैं एक साथ बना करके रख लूँगी। ये देखिए मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोलियाँ बनके तैयार होगी, क्योंकि आलू को हमने अच्छे से ठंडा होने के बाद फोड़ लिया तो ये हाथों में चिपक भी नहीं रहा। ये देखिए मैंने पूरी गोलियां तैयार कर ली हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं, और चटनी भी देखिए मेरी बन करके रेडी हो चुकी है। और एक तरफ मैंने लगाई है प्लेट, तो ये देखिए बाजार से मैंने बाजार से मंगा लिए थे, और ये मेरी मटर है, ये मेरा पानी है, और इसके साथ ही देखिए मैंने दही और मीठी चटनी, यानी कि बच्चे मीठी चटनी का भी खाएँगे और पानी का भी खाएँगे, तो वो सब चले गए हैं बताशे खाने के लिए। और मैं जब तक टिकियाँ को यानी कि सेकने लगी, क्योंकि इसको सेकने में टाइम लगेगा, तो बिल्कुल स्लो आंच पे सेकेंगे, तो इसलिए मैं इसे गैस को बिल्कुल स्लो करके इस तरीके से छोड़ दूँगी, और बच्चे जब तक अपना बताशे का लुत्फ़ उठाएंगे तब तक मैं टिकियों को सेक लूँगी। तो देखिए उलट पलट करके सेकी हैं तो ब्राउनिश हो गई हैं, और कुछ टिकियाँ कितनी ज़्यादा करारी हो गई। ये मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा अब पसंद है, वो बोला मुझे यही वाली देना। अब तैयार कर लेते हैं टिक्की की प्लेट, तो मैंने एक प्लेट पर रखी है दो टिक्की, उसके ऊपर डालूंगी मैं मटर, और उसके ऊपर डालेंगे हम चटनी, जो हमने मीठी चटनी बनाई है वो मीठी चटनी डालेंगे, और ये छोटे बेटे की प्लेट बन रही है तो इसमें हरी चटनी को हम ऐड नहीं करेंगे, और बाकी सबकी में हरी चटनी जाएगी। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी दही, जो हमने दही बना करके रखा हुआ है, और इसके बाद इसमें डाल देंगे जो जीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है, और इसमें लाल मिर्च भी मैंने डाल रही हूँ, क्योंकि छोटा बेटा खाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल और सादी देखिए हमारी टिक्की की प्लेट बन करके रेडी है। तो कैसी लगी प्लेट मुझे आप लोग जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें।